देयर इज अ क्वेश्चन, इनफैक्ट एक कैंडिडेट ने भी पूछा है और ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है, मे बी ये स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द टॉपिक हो बट आगे इनको काम आएगा. सो द थिंग इज कि यू नो जब लोगों की शादी होती है या मैरिज होता है तो विद इन सिक्स मंथ या नॉट एग्जैक्टली सिक्स मंथ लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही घर में वो लड़ाई झगड़े सास बहू यू नो तो इस तरह की चीज़ें जो स्टार्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं फैमिली में वो डिस्प्यूट अराइज होने लग जाता है. वाई वी आर टॉकिंग, क्योंकि हम इंटरपर्सनल स्किल्स पर बात कर रहे हैं. तो जो ये घर के लड़ाई झगड़े सास बहू के झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और शादी से पहले ये रहता है कि घर में बहुत अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है, लोग वेलकम करने वाले होते हैं कि हाँ नई बहू रानी आएगी, इतना अच्छा खाना मिलेगा, ये वो इन ऑल दैट. लेकिन पता चलता है साल भर में वो घर के जो दो टुकड़े हो चुके होते हैं, एक पार्ट उधर रह रहा होता है, दूसरा इधर रह रहा होता है. सो अल्टीमेटली हम बात तो ऐसे कर रहे हैं बट बहुत सीरियस मुद्दा हो जाता है अपने आप में ये देखा जाए कि दो फैमिली का जो एक डिवीजन क्रिएट हो जाता है. सो व्हाई इज इट हैपनिंग एंड हाउ टू डील विद इट. विजय, जहां तक ना डिस्प्यूट का सवाल है, जैसे जो भी अपनी लड़ाई झगड़े कॉमन होते हैं वो हमारे घर में भी होते हैं. Exactly, right? हम सास बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें तो हमारी लड़ाई हमारे ब्रदर से भी होती है, सिस्टर से भी होती है, मम्मी से भी होती है और पापा से भी होती है, है ना, होती है. और हम कभी कभी बाहर वालों से भी लड़ लेते हैं, ठीक है. लेकिन क्या होता है कि as soon as the girl gets married, ठीक है, आप कुछ सालों बाद obviously everybody wants कि भाई शादीवादी हो जाए, सेटल हो जाए करके, उसमें क्या होता है कि एक पूरा अलग, दो परिवार अलग अलग होते हैं और वो मिलते हैं, ठीक है. अब दो परिवारों के अलग अलग मिलने से क्या होता है, दो अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज का समागम हो जाता है. फैमिली स्टेटस कभी भी सेम नहीं होता है, किसी का ऊपर किसी का नीचे होगा ही होगा, या तो मैं बहुत पैसे वाली हूँ या मेरा ससुराल बहुत पैसे वाला है, हाँ थोड़ा, ठीक है. दूसरी चीज ये हो जाती है फैमिली मेंबर्स, हो सकता है मैं एक भाई एक बहन हूँ, मेरी जहाँ शादी हुई वहाँ बहुत सारे मेरे इन लॉज हूँ, ब्रदर इन लॉ हूँ, ये हूँ, या उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ मैं बहुत भरे पूरे परिवार से हूँ, वहाँ पे सिर्फ दो ही जने हैं. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी फैमिली में नहीं होती, मीन्स पीहर में, और वो शादी के बाद वहां होती हैं, और कुछ जो वहां होती हैं वो हमारे यहाँ नहीं होती हैं, ठीक है. तो पहले तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोई भी दो फैमिली सेम हो ही नहीं सकती. जब हमारे हाथ की पांच उंगलियां ही बराबर नहीं होती हैं, जब मैं और मेरा भाई ही सेम नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्टेशन तो ना ही रखें कि सब हमारे जैसे ही मिलेंगे, राइट. कुछ ऊंचा नीचा जिंदगी में जरूर होगा. बिफोर गोइंग टू दैट, शादी के मैं उस पर जाऊँ, बच्चों के रेफरेंस से मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आप शादी का मुद्दा छोड़ दीजिए. आप ये मानिए कि आप कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, एक आपने जॉब किया और आप दूसरा जॉब स्विच ओवर कर रहे हैं, ठीक है. अब आप उस जॉब में पिछले 10 साल से हैं, सब कुछ पता है आपको, रूम कहाँ पर है, मुझे किस टाइम आना है, ये फाइल कैसे मूव होगी, एवरीथिंग आई नो. यू गो टू द नेक्स्ट वन, वहाँ बिल्कुल डिफरेंट सेटअप है, ठीक है. वहाँ क्या आप ये चीज़ कह सकते हो कि मेरे पुराने में तो ऐसा था, मैं तो ऐसे ही कर सकती हूँ. What will they say? कि that won't work. Exactly. वो आपकी पुरानी कंपनी थी, वहाँ के rules and regulations अलग थे. यहाँ का culture अलग है. Then what do you do? क्या करते हो? ऐसे अगर आ जाएगी, आप बताओ बेटा, आप क्या करोगे उस situation में? आप second उसमें? मैं ऐसा तो कुछ नहीं करूँगी. तो कहते हैं ना कि वो जैसे वो भी कैसी भी situation होती है, उसमें ढलना ही पड़ता है. Exactly. The word used was ढलना. We call it adaptability. हमने साइंस में चैप्टर्स पढ़े हैं ना, adaptations in organisms, aquatic plant वगैरह, वो भी adapt करते हैं. So a very good thing is adaptability. Now it is not that adaptability is one-sided. आप adapt करते जा रहे हो, वहां से कोई response नहीं. ऐसा भी नहीं होता. तो basically विजय, मुझे ऐसा लगता है कि as a female, as a mother, as a बहु, as a बेटी, कि कुछ रीजंस होते हैं कि ये क्लैशेस पनपते हैं. नंबर वन उसमें मेरे अकॉर्डिंग हो जाता है ईगो. मैं कैसे बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे कह दिया. मम्मी ने अगर वो चीज बात कही तो ठीक है, लेकिन अगर वही मदर इन लॉ ने बात कह दी तो वो बहुत चुप जाती है. मैं तो गई थी वहां पे, उन्होंने ऐसे बोल दिया, ठीक है. ईगो, अच्छा वो ईगो सबकी होती है, मदर इन लॉ की अपनी ईगो, फादर इन लॉ की अलग, हस्बैंड की अलग, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सबकी अपना अपना सेट ऑफ ईगोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट. तो जब उसमें क्लैश होता है तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है. दूसरा चीज होता है लैक ऑफ पेशेंस, राइट. धैर्य नहीं रहता हमें,
सब कुछ फटाफट फटाफट होना चाहिए. मैं चाहूँ तो मैं वो रूम की सेटिंग नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मम्मी जी इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, यू आर पॉजिटिव. ठीक है, हम हाँ वो नया चेंज लाना चाह रही है क्योंकि वो एक नई जनरेशन की बच्ची है ना. वो कह रही है कर्टन का कलर ना ये तो बहुत पुराना हो गया, इसको चेंज कर देते. अब सास कहेगी मैं लाई, मेरी चॉइस को गलत बोला अगेन, राइट? सो पेशेंस, थोड़ा हम पेशेंस रखें कि जहां हम जा रहे हैं वहां घर वालों को ये पेशेंस रखना चाहिए कि एक नया मेंबर आ रहा है, लेट अस गिव सम टाइम टू हर टू एडजस्ट. वो हमारी फैमिली में नहीं है, उसे नहीं पता कौन सी चीज कैसे होती है. सो लेट अस नॉट एक्सपेक्ट Everything as a bahu. नए कॉर्पोरेट्स में जाते ट्रेनिंग देते हैं ना भाई, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उस बच्ची को 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पीरियड में ले लें कि बेटा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है. एज अ गर्ल आप जाते हैं नई फैमिली में तो आपको ये पेशेंस रखना चाहिए कि हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होगी ही नहीं. यू कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज. मैं जब पहली बार यहाँ आई तो आप सबके फेसेस ऐसे थे पता नहीं कौन हूँ, राइट? अभी हमने थोड़ा टाइम बिताया, आप थोड़े कंफर्टेबल हुए मुझसे. आई विल बी कमिंग हियर रेगुलरली, मैं 6 महीने आऊंगी, हम बैठ के गप्पे लगा रहे और आप मुझे कह रहे हो मैम जब आप पहली बार आए थे ना तो हमने आपके बारे में ये सोचा था. होता है ना सबके साथ. सो पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा जरूरी होता है हर जगह. एग्जैक्टली, इट्स नॉट ओनली ससुराल में. ससुराल तो एक टॉपिक हमने ले लिया, कहीं पे भी आप जाइए आपको पेशेंस चाहिए होता है. आप लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, क्या फर्स्ट डे आपको उतनी ही नॉलेज थी जितनी आज है? अगर आप इस प्रोफेशन में रहते हैं, विजय सर जैसी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो क्या विजय सर जितनी नॉलेज अभी आप लोगों में है? बट वंस विजय सर वॉज ऑल्सो सिटिंग. Patient. With time, many things improve. But वो time चाहिए दोनों पक्षों को. Yes, obviously. Okay. Third, just yes, as just two more points I'll add. Respect, mutual respect. हर relationship की respect रखना बहुत जरूरी है. अगर हम respect, ये नहीं कि सिर्फ in-laws आए या क्या, उनके relatives, वो अब आपके हैं, वो अब आपका घर है. आप उनको कैसे अटेंड करते हैं, कैसा उनको माहौल देते हैं, राइट? आज मैं चाहे आपसे कुछ काम है नहीं, बट विजय वुड से कि मैं विजय से ये कहूंगी कि विजय नहीं, रिस्पेक्ट तो मुझे चाहिए. विजय वुड ऑल्सो एग्री विद इट कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आप कहो, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मैम टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली, है ना? Exactly. तो वो रिस्पेक्ट हर किसी रिलेशनशिप has, हर किसी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट अगर कहें, लाइक आपने जैसे पहले कहा था कि देयर इज ईगो, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. तो काफी टाइम लोगों में ये प्रॉब्लम होती है. और सबसे बड़ी आजकल के मॉडर्न जमाने में अगर मैं कहूँ, हम सब जानते हैं कि बिग फैमिली या ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स हो गया. उसके लिए हम वैसे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जरूरतें, बच्चे बाहर चले जाते हैं, आजकल हमारे पास वो इतने बड़े बड़े घर भी नहीं होते कि हम सब रहें, दो दो तीन तीन BHK सबके पास होता है, वो एक होती खुद की फैमिली हो जाती है. बट देन द कॉन्सेप्ट ऑफ आई मी एंड माई, मैं और मेरा, इट इज डेवलपिंग टू फास्ट. एग्जैक्टली, अब के टाइम में मेरा घर होना चाहिए अच्छा, मेरा रूम होना चाहिए, आप और कुछ नहीं तो अलमीरा तो मेरी होनी चाहिए, आप जैसे बच्चियों का अभी रहता है घर में, है ना? तो वो जो एक होता है कि आई मी एंड माई, कि अगर भाई हैं तो मैं मेरा घर बन गया, ऑब्वियसली द अदर वुड वन थिंक कि ये तो अपने में ही लगा रहता है तो इसने अपना बना लिया, लुक एट मी, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. अगर मेरी 100 रुपीज इनकम है तो आई वॉन्ट टू स्पेंड दैट 100 रुपीज ऑन माई सेल्फ, माई फैमिली, माई वाइफ, माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, राइट? इन लियो ऑफ दैट अगर हम ये करें, हम ये माने अपने अंदर कि मेरी जो इनकम है वो सिर्फ 90 रुपए ही है, 10 रुपीज मुझे फैमिली में किसी भी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करना है. इफ एवरीबडी इज डूइंग दैट फ्रॉम फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव, फाइनेंसेस आजकल बहुत मेजर हो गए हैं प्रॉब्लम्स. और कई जगह पे क्या होता है कि झूठ बोल के भी शादियां की जाती हैं,
बताया ये जाता है कि ये है, होता कुछ नहीं है, या दे आर जस्ट देर जस्ट वॉन्ट द गर्ल क्योंकि वो अर्निंग है, एंड देन इट इज की लाइक आपकी जो अर्निंग है वो हमारे घर में आप कॉन्ट्रीब्यूट करो, एंड देन आई हैव दिस इगो, वाई शुड आई एम अर्निंग, मेरी तनख्वाह में कैसे भी खर्च करूँ. हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक अब और ज्यादा ये डेवलप होता जा रहा है, और खासकर मेट्रो सिटीज, मेट्रो, क्योंकि पहले क्या होता था बेटा कि जो फीमेल्स आती थी वो उनकी कम उम्र में शादी भी हो जाती थी, फाइनेंशियली वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं थी, राइट, सो दे वर टोटली डिपेंडेंट. अभी ऐसा सीन नहीं है, आपके घरों में भी आपकी भाभियां वर्किंग होंगी, मदर इन लॉ मतलब किसी जिनके हैं वो भी काफी हो जाता है. तो ये सारी जो चीजें होती है ना, धीरे धीरे क्या होता है कि जब एक वो तालमेल नहीं बैठ पाता है, देन दिस ऑल दिस अकर. बट आई वुड से कि अपनी तरफ से आप पूरा ट्राई करो, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें एडवर्स हो रही हैं, then it's better to come to a conclusion. हाँ exactly, कि they saying ना कि पास रहकर दूर रहने से अच्छा है कि दूर रहकर पास रहें. वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो चीज तब होनी चाहिए ना जब बाकी सारे रास्ते बंद हो जाए, आपको लगे कि नहीं अब नहीं हो सकता. right. जब कोई आदमी मर रहा होता है तो हम उसको मरते दम तक भी जिंदा करने की कोशिश करते हैं, पंप करते हैं, हाथ पैर सब कुछ अपनी तरह से सब ट्राई करते हैं ना, बट फिर डेथ हो ही जाती है, देन अगर कोई सॉल्यूशन निकल सकता है तो सबसे अच्छा यही है कि सॉल्यूशन निकाला जाए और एक हार्मनी सेट की जाए, कुछ रूल्स बना दिए जाए अपनी तरफ से, उनकी तरफ से, कि भाई चलो ठीक है काम की प्रॉब्लम हो रही है तो हम ऐसे ऐसे इसको डिवाइड कर लेते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करो, एंड यू प्लीज टॉक. हाँ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक जो आपने बोला टॉक, क्योंकि होता क्या है समटाइम्स हम अपने माइंड में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, कि सामने वाले को एक बार बोलें, डिस्कस करें, मे बी कि वो डिस्कशन से प्रॉब्लम दूर हो जाए. मतलब घर की तो अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से सिर्फ झाड़ू पोछे को लेकर भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं. इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ओनली, कि काम को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर हो सकती है. वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी गॉट मैरिड इन विलेज, उसकी शादी हुई, उसको विलेज जाना पड़ा, ठीक है कुछ टाइम के लिए जाते ही है सब. अब क्या था वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ कि वो उसकी जो मदर इन लॉ थी वो बर्तन जो थी वो ऐसे जमाती थी कि जैसे सारी एक कटोरी के ऊपर दूसरा तीसरा ऐसे करके ना, उसका उनका एक तरीका था काम करने का. और जब मेरी फ्रेंड वहाँ पे गई तो लाइक वही मैंने कहा कि सब कुछ बदल डालूंगी टाइप से ना. अरे ये ऐसा वैसा, तो उसने किचन में जाके वो जो बर्तन थे वो जमाए ऐसे, अपन वो पिरामिड बनाते हैं ना, 6 5 4 3 2 1 ऐसे कटोरी टाइप का, उसने वो पिरामिड बना के वो किचन में आया, शी शेयर्ड इट विद मी और हम लोग इतना हंसे इस चीज को लेके. उसके बाद क्या हुआ कि जब वो शाम को फिर किचन में गई तो मदर इन लॉ ने जैसे वो जचाती है वैसे बर्तन जचाए हुए थे. मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मुझे इतना गुस्सा आया ना ज्योति, कि मैं जब जैसे वो दे वर लुकिंग सो नाइस, इतने अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो जाके ना फिर ऐसे ही कर दिया उन्होंने. तो एक बार तो स्टंट कर ही लिया मेरी फ्रेंड ने, उसने फिर रात में जब किचन का काम वाइंड अप हुआ वो 6 5 4 3 2 1 वाला उन्होंने कर दिया, ठीक है गेट वेट बंद हो गया. रात को 12 1 बजे इतनी तेज आवाज हुई और बहुत ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एंड एवरीबडी वॉज स्केयर्ड, लगा कि तूफान आया, कोई घुस तो नहीं आया, कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं रह गई किचन में, ये सब है. वहां जाके देखा तो सारी कटोरियां नीचे रखी हुई गिरी हुई थी जमीन पर. अब क्या वहां पे चूहे बहुत थे, तो मदर इन लॉ का एक्सपीरियंस जो था वो बिल्कुल सही था कि वो उसमें उनको पता था यही होना है, और जब वो शी वाज लाइक कि हाँ इसने जमाए हैं बर्तन तो वो ऐसे ही गिरे होंगे, तो उनके लिए दैट वाज नॉर्मल, दैट वाज नॉर्मल. बट माय फ्रेंड कि उन्होंने चेंज कर दिया, ये कर दिया, कहते मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि चूहों की वजह से हम ये कॉन्सेप्ट नहीं कर यहाँ पे फॉलो कर सकते. सिंपल सी बात है, लेकिन क्योंकि इतनी छोटी चीजें वो सॉल्व आउट हो गई, इसको समझ में आ गया. बट क्या होता है कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सॉल्व आउट नहीं हो पाती, एंड देन इट ग्रोज मल्ट. फिर क्या जब हम एक आदमी के लिए जब नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं ना, तो होता है कि हमारे सारे एक्शंस उसी नेगेटिविटी के अराउंड रिवॉल्व हो जाते हैं. Exactly. फिर हम कुछ जो पॉजिटिव चीजें होती है ना वो भी पट्टी बन जाती है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना. नहीं नहीं ऐसा थोड़े ना हो सकता. तो हम क्या करते हैं फिर उसको उसी वे में लेने लग जाते हैं कि नहीं ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव. तो इट्स बेटर कि टॉक,
सारी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को लिंगर करने के बजाय मेरा ये सजेशन है कि बात करो और वहीं उस चीज़ का सोल्यूशन निकालो और उसको ख़त्म करो। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ मुझे कि जब किसी से प्रॉब्लम होती है ना हमें, तो हमें उसी से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। डोंट बीट अराउंड द बुशेस। मेरी प्रॉब्लम गुनगुन से है, लेकिन गुनगुन से बात करने के बजाय मैंने मानसी, पिंकी सब, पूरे विजय सर सबसे बात करी, लेकिन मैंने गुनगुन से बात नहीं की। जबकि मुझे बात किससे करनी चाहिए? गुनगुन से। भाई हो सकता है ना आप में से कोई और मल्टीप्लाई करके गुनगुन को बात बता रहा हो, पता है ज्योति मैम ने ये तेरे लिए बोला, अच्छा मेरे लिए ये बोला, वही लोग मेरे यहाँ पता है मैम आपको गुनगुन आपके बारे में ये कह रही थी, तो हुआ कुछ नहीं, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, जो बात थी वो और भी ज्यादा बिगड़ गई, बढ़ती। और होता ये कि मैं गुनगुन को कहती हूँ, गुनगुन लेट्स सिट, हम एक जगह बैठते हैं, गुनगुन बेटा मुझे ऐसा लग रहा था, उसने कहा मैम मुझे ऐसा लगा, आपने ऐसा, नहीं बेटा ये हमने म्यूचुअली बात की और इट्स माय बिजनेस विद हर, क्या जरूरत है दूसरों को इन्वॉल्व करने की, अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड। सो कीपिंग इन माइंड ऑल दिस थिंग्स, आई थिंक मैं ये तो नहीं कहती कि सब जगह एक ही फॉर्मूला एम्प्लाय हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सबके घर की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी ये है कि काफ़ी हद तक हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बना सकते हैं अगर हम ये थोड़ी चीज़ का ख्याल रखें। ओके ग्रेट। नाउ वेल हम फैमिली पे डिस्कस कर रहे हैं, मैरिज की बात चल रही है, तो आई हैव अ क्वेश्चन कि डू यू थिंक ये जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, इट इज काइंड ऑफ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इसका भी कुछ फर्क पड़ता है? ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट ये डिबेटेबल बहुत है ये, क्योंकि दोनों ही मैरिजेस के अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। लव मैरिज में ये होता है कि आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स सब जानते हैं, और आपके फैमिलीज के बारे में दोनों को पता होता है कि मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, तो वो एक सेटलमेंट हमारा लव मैरिजेस में रहता है। अरेंज मैरिजेस में ये होता है कि कुछ टाइम बात होती है, अब तो चलो फिर भी बहुत मिलने लग गए हैं कि अरेंज मैरिज के बाद भी ओपन हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था। अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, जब कोई बात बिगड़ती है तो दोनों फैमिलीज ना सपोर्ट में आ जाती हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव उसमें रहता है। लव मैरिज में अगर आप लड़ते हैं ना, तो देन द कॉन्सिक्वेंसेस फॉल ऑन योर हेड ओनली। तो फिर मम्मी कहती मैं क्या करूँ, शादी तुमने की थी ना, तुमने लड़की देखी थी या तुमने लड़का देखा था, अब तो मैं, हमने तो पहले ही कहा था, तो यू नो दिस थिंग्स, सो वी कैन नॉट एक्चुअली से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लव मैरिजेस में कपल में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, और कई बार ऐसा भी, मतलब बहुत सी शादियों में ऐसा भी देखा गया कि फैमिली को फुली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जबकि अरेंज मैरिजेस में भी ऐसा हो सकता है कि जो बहू आई है वो घर में सेट ना करे, या आप उसके साथ उसका रिलेशनशिप आपका एडजस्टमेंट ना बैठे। तो इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग ऑन लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अ वे कि दोनों ही परिस्थितियों में एक्सेप्ट करें, व्हाटएवर द वे इट इज, हां फैमिली यूनाइटेड रहे और ग्रो करे, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज। ओके ग्रेट, ऑलराइट, सो लेट्स चेंज द टॉपिक।